प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आज से पूरे राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में आज बरेली जनपद के सभी 133 केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 96,000 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा की पहली पाली के निर्धारित समय 7:30 बजे को संशोधित करते हुए 1 घंटा देरी से सुबह 8:30 बजे से परीक्षाएं शुरू कराई गईं, लेकिन इससे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इसके साथ ही तय समय के मुताबिक छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्रों को जांच कर परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। इस दौरान DIOS कार्यालय परिसर में बने जिला कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जनपद में गठित सभी 5 सचल दस्ते भी जिले भर के तमाम क्षेत्रों में भेजे गए हैं। वहीं DIOS देवकी सिंह अपनी टीम के साथ पहले शहर के स्कूलों में व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 10वीं की प्रारंभिक हिंदी और 12वीं की सैन्य विज्ञान की परीक्षा आयोजित हो रही है। वहीं आज शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए प्रत्येक एग्जाम सेंटर पर एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और निगरानी टीम 24 घंटे निगरानी रख रही है। इसके साथ ही CCTV से नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम को लेकर पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। आज हिंदी का पेपर था। क्या सर, आप पेपर कैसे की जा रही है? तैयारियां कैसे की आपने? बहुत अच्छी थी। किस तरीके का पेपर आया था? अच्छा आया था। किस चीज का पेपर था? जब कैसा रहा पेपर, कैसी थी? किस तरीके का पेपर आया था? सही आया था, मतलब हिंदी का था। कैसा गया पेपर? मतलब सही गया, जो मतलब पढ़ा था वो थोड़ा बहुत कम आया। कौन से स्कूल से हो? जनता इंटर कॉलेज। चीज का पेपर था आपका? हिंदी का पेपर। कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा गया, उम्मीद करते हैं। अच्छा, तैयारियां कैसी रही आपकी, मतलब कैसे? तैयारियां घर की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, तो कोचिंग वगैरह तो मैं इस टाइम जा नहीं पाया, लेकिन फिर भी ठीक था। अच्छा पढ़ाया सर ने, अच्छा माहौल था। तो कौन सी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ? मेरे पास की नहीं है स्कूल, हम मैंने एडमिशन लिया, बात पढ़ता हूँ।